ज्यादा अच्छे लोगों के साथ ही लोग ज्यादा बुरा क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनसे डरते हैं, क्योंकि वो उन्हें नापसंद करते हैं, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसे चिढ़ने लगते हैं। और इसका कारण हमारे ही अपब्रिंगिंग में छुपा हुआ है, हमारे ही बचपन में छुपा हुआ है। और वो कैसे, ये आज की वीडियो में हम समझेंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग, आप अच्छे लोग हो, आप नाइस पर्सन हो, आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करते हो, और इसके बदले आपको क्या मिलता है? धोखा, गद्दारी, परेशानियां, है ना? तो आज इन चीजों को गहरे से समझेंगे। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीटर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं लाइफ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। एक बार अपनी बचपन की यादों में जा करके देखो, हमें मम्मी क्या सिखाया करती थी कि बेटा बाहर जाओगे तो कोई चॉकलेट दे, कोई बिस्किट दे, कोई मीठी मीठी बातें करके, कोई बहुत अच्छा इंसान बन के तुम्हें अगर अपने पास बुलाने की कोशिश करे, अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करे, कोई ये बोले कि मैं तुम्हारा ताऊ हूँ, तुम्हारा भैया हूँ, तुम्हारा चाचा हूँ, या तुम्हारी मम्मी ने मुझे भेजा है, और मीठी मीठी बातें करके तुम्हें अपने साथ बुलाने की कोशिश करे, तो कभी मत जाना, है ना? मतलब उसी समय से हमारे दिमाग में एक बात फिट है कि कोई भी जब ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है, या वो ज़्यादा अच्छा इंसान दिख रहा है, या वो ज़्यादा अच्छा बिहेव हमारे साथ कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, थ्रेड है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है। और जैसे ही हमारे दिमाग में ये बात फिट है, जैसे ही ये एक्टिवेट होता है, तो हम उस गड़बड़ इंसान को अपना दुश्मन मान लेते हैं, और अनजाने में वैसे लोगों के साथ बुरा सलूक कर बैठते हैं, उन्हें ही हम बीच मझधार में छोड़ते हैं, उनके साथ ही कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनको तकलीफ होती है। क्योंकि हमारे फीडिंग में क्या है, हमारे ब्रेन में क्या फिट हुआ है कि वो खराब इंसान हो सकता है ना? तो अगर आप भी एक अच्छे इंसान की तरह किसी के साथ बहुत अच्छा पेश आ रहे हैं, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो लोग आपसे अनजाने में ही डरने लगेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये फिट है कि जो ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है वो ख़राब हो सकता है। मैं अपना ही एक अनुभव बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैं सिक्किम घूमने के लिए गया था, आप सबको पता है, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं, है ना? तो सिक्किम गैंगटॉक से मैं घूम के जब आ रहा था, तो मैं ट्रेन से वापस आया, तो ट्रेन में सेकेंड AC का ट्रेन था, तो वहाँ अटेंडर्स होते हैं जो हमें कंबल, बेडशीट्स वगैरह देते हैं, राइट? तो मेरा अनुभव ये था कि जब भी मैं ट्रेन में गया हूँ, तो वो लोग लास्ट में आके, सर कुछ खर्चा पानी, कुछ चाय पानी, ये बोल करके टिप लेते हैं, खुद से बोल करके। तो वहाँ एक अटेंडर थे, थोड़े से मोटे से टीका लगाए हुए बंदे थे, गोरे चिट्टे से, शायद पंडित थे, है ना? राधे राधे ऐसा उनका कुछ था, राम राम, सिया राम, राधे राधे, ऐसा वो बोलते बोलते आते जाते गुजरते थे, तो वो बहुत अच्छे इंसान लगने लगे थे हमें। और मैं जब वॉशरूम के लिए गया था, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया हमारे पैकेट में नैपकिन नहीं है क्या? क्योंकि जनरली सेकेंड AC में जो पैकेट मिलता है, जिसमें बेडशीट होते हैं और एक नैपकिन होता है और पिलो का कवर होता है ना? आप में से ज़्यादा तो लोग घूमे, आप लोगों को पता है, कमेंट में बताइएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया हमारे पैकेट में नैपकिन नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला, नैपकिन ये लीजिए ना, नैपकिन, हमारे रहते कोई तकलीफ है क्या आपको, हमारे रहते कोई दिक्कत है क्या आपको, जो बोलोगे हम देंगे। तो उन्होंने इस तरह से वॉशरूम में मुझे ऑफर किया, एक नैपकिन उठा के दिया, नैपकिन नहीं था, पिलो कवर ही था इतना बड़ा। तो मैंने उनसे लिया और हाथ को पोछा और उनको वापस कर दिया। और जैसे ही मैंने उनसे पिलो ले रहा था ना, मेरा जो डिफेंस मैकेनिज्म एकदम से ऑन हो गया कि ये इतना नाइस क्यों हो रहा है मेरे लिए, ये इतना अच्छा क्यों बन रहा है मेरे लिए, ये कहीं मुझसे ज़्यादा टिप तो नहीं मांगने वाला, ये कहीं ज़्यादा टिप तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मुझसे, ये या कुछ और तो नहीं चाहता मुझसे, या कुछ और तो डिमांड नहीं करने वाला मुझसे, या ये कहीं चोर तो नहीं, क्योंकि तब तक मुझे नहीं पता था कि वो ही अटेंडर है ना, बस एक अंदाज़ा था। तो मेरा दिमाग का तुरंत डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो गया, हालांकि मैंने ऐसा कोई बिहेव नहीं किया, लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो गया कि ये थ्रेड है, क्योंकि वो बहुत अच्छा था। ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग थे जो नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई चिक चिक कर रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, किसी से हम कुछ मांग रहे तो वो देना ही नहीं चाह रहा है, या फिर हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो रिप्लाई नहीं कर रहा, वो सब हमारे लिए नॉर्मल है।
लेकिन पर्टिकुलर एक पर्सन जो हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है वो हमारे लिए अबनॉर्मल है, तो हमारा ब्रेन उसे थ्रेट की तरह ले लिया, मतलब कि मेरा ब्रेन उसे थ्रेट की तरह ले लिया। तो यही साइकोलॉजी, यही ह्यूमन बिहेवियर हर जगह काम आता है, जब भी स्पेशली रिलेशनशिप में कि कोई इंसान बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली इनिशियली स्टार्टिंग टाइम से ही अगर कोई इंसान बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है कि हर काम में हाँ बोल रहा है, हर चीज़ में ओके ओके बोल रहा है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं कर रहा है, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है, वो कोई परेशानी ही नहीं शो कर रहा है, वो हर चीज़ में आगे आगे से आ रहा है, तो स्पेशली फीमेल्स को, अगर मेल ऐसी हरकत कर रहे हैं तो फीमेल्स का दिमाग उन्हें थ्रेट की तरह लेने लगता है कि इतना अच्छा बन रहा है क्योंकि इसको ज़रूर मुझसे कुछ बड़ा एडवांटेज चाहिए, ये कुछ बड़ा एडवांटेज मुझसे लेना चाहता है। और नॉट ओनली फीमेल, ऐसे फीमेल की नहीं, लेकिन फीमेल को ज़्यादा जल्दी समझ में आता है ये चीज़, मेल को भी अल्टीमेटली अगर कोई फीमेल ज़्यादा प्लीज्ड कर रही है तो उसका दिमाग उसे एज अ थ्रेड लेने लगता है। तो आज आपने ये मनोविज्ञान को समझा कि कैसे हम अच्छे लोगों के साथ बुरा करते हैं, क्यों हम अच्छे लोगों के साथ बुरा कर बैठते हैं, क्यों हमारे अंदर एक ऐसी टेंडेंसी है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से हम खराब बर्ताव कर बैठते हैं। और समटाइम्स देखो ये सही है, अगर वो थ्रेड था तब तो ये बहुत सही हुआ, बट कभी कभी हम अच्छे लोगों के साथ भी बहुत बुरा कर बैठते हैं। इसलिए जो भी आप करेंगे उसे पहले प्रोसेस करेंगे, है ना, जैसा कि मैं हमेशा समझाता हूँ कि गुस्सा आ गया ये कभी नहीं होना चाहिए, गुस्सा मैंने किया ये होना चाहिए, मैं खुश हो के ये कर बैठा ये नहीं होना चाहिए, मैं खुश हुआ और सोच समझ के ये किया, या मैं दुखी होकर ये कर बैठा ये कभी नहीं होना चाहिए, सोच समझ के मैंने ये किया ये होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ना, हर चीज प्रोसेस हो और आपका डिसीजन हो कि आप क्या कर रहे हैं, ना कि अपने पूर्वाग्रह के दम पर आप कुछ भी कर बैठे, मतलब कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के दम पर या अपने ज्ञान के दम पर कुछ भी कर लिया। अनकॉन्शियस होके नहीं जीना है, होशपूर्ण जीना है, होश के साथ फैसले लेने हैं, क्योंकि आपके फैसले ही आपको बनाते हैं और आपके फैसले ही आपको बिगाड़ते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मैटर करती है लॉन्ग टर्म में, कंपाउंडिंग में, है ना। तो मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।